सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से या किसी भी यूनिवर्सिटी से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आपने उस ग्रेजुएशन में मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ अभी आज की जो वीडियो में, क्योंकि मास्टर्स जो है वो कई लोग बच्चे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नहीं करना चाहते हैं, और कई चलो बच्चे चाहते हैं कि वो जो अपनी मास्टर्स है वो IIT से परस्यू करें, क्योंकि 12th क्लास के बाद उनके उनके दिमाग में कीड़ा होता है ना कि IIT से ही जो है वो IIT का स्टूडेंट बनना है, IIT से एक बार पढ़ना है। तो डेफिनेटली से आपको जो है उसका एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आपने जो ग्रेजुएशन, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है या केमिस्ट्री में किया है या मैथ्स में किया है, तो हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो फिजिक्स ये कहता है कि आपने जो है भले ही आप फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे हो लेकिन आपने मैथ्स को पढ़ा हुआ होना चाहिए। हुआ कि अगर आपके पास मैथ्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट था, या उसको जेनरिक कहते हैं जेनरिक सब्जेक्ट, अगर आपके पास मैथ्स था और आप फिजिक्स का कोर पेपर में अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। हालांकि फिजिकल साइंस के बच्चे या जो जनरल साइंस के बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा हुआ है मेन सब्जेक्ट, मतलब उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स उन्होंने पढ़ा हुआ हो ऑल 3 ईयर्स में, तो ऐसे बच्चे जो है वो डेफिनेटली से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का नाम होता है जैम, ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स। ये जो एग्जाम होता है ये ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली फरवरी में एग्जाम होता है। इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं होती है, इसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जैसे कि HC वर्मा, आपसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस इसके अलावा जो कुछ अच्छी बुक्स हैं जैसे कि वो आती है मॉडर्न फिजिक्स की, बहुत अच्छी बुक आती है, आर्थर बाइजर की मॉडर्न फिजिक्स की बहुत अच्छी बुक आती है, फिर उसके बाद DS माथुर मैकेनिक्स की बुक है, इसके बाद HK दास अच्छी बुक है अगर मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए करना है। तो उनसे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं कुछ 3-4 सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखते हैं तो पेपर आराम से निकल जाता है, बहुत ज्यादा मतलब इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से प्रिपरेशन रखते हैं तो ये निकल जाता है, और मतलब इसमें इसमें इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें आपको जो मास्टर्स है वो आपका IIT से होगा, और इसमें भी सेम जैसे 12th क्लास के बाद काउंसलिंग वगैरह होती है सेम तरीके से होती है, तो अगर आप चाहें तो इसके थ्रू भी आप जो है मास्टर्स कर सकते हैं। DU के अलावा जो IIT है उसकी अच्छी बात यह है कि वहां जो मास्टर्स होता है और जो DU में मास्टर, दोनों में काफी डिफरेंस है। आप कहेंगे तो मैं डेडिकेटेड इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर से बना दूंगा जिसमें कंपेयर करके बताऊंगा कि DU की मास्टर्स और IIT की मास्टर्स या नॉर्मल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मास्टर और IIT की मास्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। बट एक मोटे मोटे तौर पर एक बात मैं आपको बता दूं कि IIT का जो मास्टर्स होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा होता है, थियोरेटिकल कम होता है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो मास्टर्स होती है उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा कम रहती है और थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा रहती है। तो अगर आप अपना करियर रिसर्च का अगर आप जो है थ्योरेटिकल साइंसेज में बनाना चाहते हैं तो आप DU, जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसी जगहों से मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू हैव मोर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके लिए नहीं है, आपको IIT में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा इंजीनियरिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें थोड़ी ज्यादा रहती है, तो उस तरीके से थोड़ा देखते हैं। तो मतलब मेरा ये सजेशन है कि आप जो है IIT में और इसमें कंफ्यूजन अगर है तो पहले आप अपने आप को डिसाइड करिए कि आपका जो है मतलब आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसके बेसिस पे जो है डिसीजन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ और भी नॉलेज वाली वीडियो आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरों को तो शेयर कर ही सकते हो, ठीक है, ताकि आप तो जुड़े ही गए हो, औरों को भी पता चले, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने जो कॉलेज ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर से फिर शेयर ही करना होता है। आई थिंक दिस विल हेल्प टू एवरीवन, और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर, बाय।